वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस की। अगर आप एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं तो आप किस तरह से और किस किस कंडीशन में जो है अपना एनपीएस से अमाउंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं, CRANSDL। गूगल पे सर्च करने पर पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर और नोडल ऑफिसर दो तरह के लॉगिन इंटरफेस मिलेंगे। आपको सब्सक्राइबर वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड और पासवर्ड भर दिया है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो रीसेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड कर सकते हैं। देखिए, सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर दे के भी कर सकते हैं और ओटीपी के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी नोडल ऑफिस से भी दे सकते हैं और यहाँ जनरेट ओटीपी अपना पर्सनल नंबर पे आपके ओटीपी जाएगा। प्राण नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नया पासवर्ड डाल दें, कन्फर्म पासवर्ड और कैप्चा डाल के पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा, तो सीधा लॉगिन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ सब्सक्राइबर वाले पे लॉगिन करना है, नोडल ऑफिस पे डीडीओ लॉगिन करते हैं। तो हम सब्सक्राइबर पे लॉगिन करेंगे तो कैप्चा फिल कर दिया मैंने, पासवर्ड लगा दिया है। तो देखिए, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आप यहां से चेंज कर सकते हैं, रजिस्टर अपडेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे जा करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका प्राण कार्ड गुम हो गया है तो प्राण कार्ड की रिक्वेस्ट यहाँ से डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्राण कार्ड, ठीक है। रिप्रिंट रिप्रिंट यहाँ से देख सकते हैं, प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं और पर्सनल डिटेल आप यहाँ से अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैं ये डाटा, मोबाइल और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं कर रहा। तो मैं रिक्वेस्ट बता देता हूँ कि आपने कैसे रिक्वेस्ट डालनी है विड्रॉल की। सबसे पहले एग्जिस्ट फ्रॉम एनपीएस पे जाएंगे, यहाँ पे इनिशिएट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। तो रिक्वेस्ट कैसे करनी है, इनिशिएट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनिशिएट विड्रॉल रिक्वेस्ट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा। ये टोटल अमाउंट दिखा देगा, कितनी अमाउंट है आपकी, नाम और ये पैन कार्ड नंबर। उसके बाद तीन ऑप्शन इसमें दिखाएगा, सुपरनेशन है आपकी, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है आपकी, तब विड्रॉल की रिक्वेस्ट डलती है। दूसरी है प्री मैच्योर, आप रिजाइन कर जाते हैं तो प्री मैच्योर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और टायर टू पार्शली विड्रॉल, अगर आपने टायर टू अकाउंट ओपन कर लिया है, कैसे करते हैं उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, तो विड्रॉल करते हैं तब भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी प्री मैच्योर बता रहा हूँ कैसे विड्रॉल करते हैं। तो ये सिलेक्ट करेंगे, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए, आपके पास मांग रहा है ये लमसम अमाउंट कि कितना विड्रॉल करना है, डेट ऑफ रेजिग्नेशन, किस डेट में आपने रिजाइन किया है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जिस भी डेट में रिजाइन किया है। उसके बाद कितना परसेंट आपने निकालना है, तो यहाँ से देखिए ये नीचे लॉक रहेगा, यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। और अगर 50% निकालना चाहते हैं 50% हो जाएगा, 70% करेंगे तो नीचे 30% लॉक रह जाएगा, जितना भी आप यहाँ भरेंगे 100% करते हैं तो नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप करके इस पे सबमिट कर दीजिए, सबमिट करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा और आपकी डिटेल दिखाएगा, उसके बाद आप उसको कर दीजिए। अगर मैं इसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अपनी डेट ऑफ रेजिग्नेशन, जिस डेट में आपने रिजाइन किया वो डेट यहाँ पे डाल के इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अगला प्रोसेस आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगा, टोटल अमाउंट शो करेगा, उसके बाद उसको फाइनली सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से व्यू विड्रॉल स्टेट रिक्वेस्ट स्टेटस पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रिजेक्ट करवा दी है, अगर आप अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट चाहें तो वो डल जाएगी। ये डिटेलें आपको दिख रही हैं, ये सारी डिटेलें आपकी डलेंगी। उसके बाद यहाँ से आपको इसको प्रिंट कर सकते हैं, व्यू विड्रॉल फॉर्म, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से व्यू फॉर्म इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। व्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपकी शो कर देगा। देखिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे ये डाउनलोड हो चुकी है, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जा चुका है, जैसे ब्रांड नंबर, नाम, सारी डिटेल इस पे आ चुकी हैं, जो जो मैंने ऑनलाइन
आपकी पहले से ही होंगी कुछ तो बाकी।